ओम गणेशाय नमः। आज हम माघ मास के 11वें अध्याय का कथा सुनेंगे, जो कि यमदूत के द्वारा बताई गई शालिग्राम भगवान की पूजा की विधि है। किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए कि हमें दोबारा गर्भाशय में आने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाला, सब पुण्य को देने वाला तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करते हैं, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वह वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम भगवान का पूजन करने से यम लोक को नहीं जाते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास तथा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता, जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य यदि शालिग्राम भगवान का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है, जो सदैव शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र की पूजा करते हैं, वह भी निश्चित विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम जी के जल से अपना शरीर को अभिषेक करते हैं, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम के शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य ही शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम जी का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंदर में मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाते। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।